मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा से सोयाबीन, उड़द, मूंग, धान, ज्वार, बाजरा, तिल सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अभी तक राजस्व विभाग की ओर से सर्वे का काम पूरा नहीं किया गया है। इस कारण पीड़ित किसान मुआवजा भी नहीं मिलने से परेशान है, क्योंकि उन्हें रबी फसलों की बोवनी के लिए खेत तैयार करने के साथ अन्य व्यवस्थाएं करनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सर्वे कराकर किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दी जाए। कमलनाथ ने कपास किसानों को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कपास के मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। वहीं बारिश से परेशान किसानों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि सरकार भले ही संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रही हो, पर वास्तविकता यह है कि अभी तक किसान को हुई क्षति का सर्वे ही नहीं हुआ है, जबकि सबको पता है कि असमय वर्षा से खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेत में काट कर रखी फसल किसान खलिहान तक नहीं ले पाया। धान की फसल खेत में ही गिर गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। सोयाबीन की फली से दाने खेत में ही गिर गए। जो फसल कट भी गई थी उसमें पानी लगने से दाग लग गया और बाजार में कीमत भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर आए इस संकट के समय सरकार को चाहिए कि सर्वे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और किसानों को जल्द से जल्द राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। जब हमारी सरकार के समय इस तरह का संकट किसानों पर आया था तो तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई थी। खाद की कमी से भी किसान परेशान है। सरकार दावा कर रही है कि खाद का पर्याप्त भंडार है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की परेशानी को देखते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और खाद की व्यवस्था कराने की मांग की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।